गाबा सर, क्या रहेगा इस समय का ट्रेड? लॉन्ग साइड रहेगा, और स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है बंधन बैंक, 236 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और मेरे ख्याल से बहुत टाइट स्टॉप होगा, करीब 232 का, बस 3 रुपए का स्टॉप लॉस है। ऑन द अपसाइड का टारगेट करीब 245 के नजर आते हैं, तो यस बंधन पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। बैंक लॉन्ग साइड का ट्रेड कल तक शॉर्ट कवरिंग के अंश देखने को मिल रहे थे, आज कुछ तेजी इसमें बढ़ती हुई। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड? गुड आफ्टरनून अर्शिता जी। तो देखिए, पावर ग्रिड पे एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले करीब 15 सेशन अगर आप देखेंगे तो स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा था, 215 पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, नीचे पे 20 डे मूविंग एवरेज पे स्टॉक सपोर्ट ले रहा था। फाइनली आज 215 का लेवल ब्रीच हुआ है, तो करंट लेवल पे पावर ग्रिड में खरीदारी करनी चाहिए। 215 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए, 230 तक के टारगेट पॉसिबल है। 220 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 6.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, वहां पर 4 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी किया सकती है और 14 रुपीज के टारगेट इस ऑप्शन में आप सेट करिए। ओके, चलिए, ये हो गई इस समय मानस के पैक का। अमित जी, गुड आफ्टरनून, क्या रहेगी आपके पैक? जी गुड आफ्टरनून अनुज जी, गुड आफ्टरनून अर्शिता मैम एंड एवरीबडी इन द पैनल। अनुज जी, इस समय की मेरी टॉप पिक रहेगी मारुति। मारुति का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो काफी बेहतरीन स्ट्रक्चर है। कल के सत्र में हमने इसमें एक शेकआउट देखा था, स्टॉक ने काफी वीक एंड्स निकाले, नीचे 10,450 तक के लेवल्स दिखाया, उसके बाद एक बहुत ही अच्छा राइज दिखाया था। आज के सत्र में हम फिर देख रहे हैं कि इट इज मेंटेनिंग अपनी स्ट्रेंथ और सारे क्रिटिकल मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, तो मुझे लगता है मारुति थोड़ा सा पीछे भी रह गया है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और अब यहाँ पे कैचअप की अच्छी पॉसिबिलिटी है। 10,720 इसका प्राइस है, टारगेट्स लगभग रहेंगे 10,920 के, और स्टॉप लॉस रहेगा 10,580 का। अब कैचअप करता हुआ 1.25% ऊपर, लेकिन आगे 10,900 तक जाने की क्षमता है। प्रशांत नमस्कार, आपका ट्रेड? जी अर्शा जी, गुड आफ्टरनून आनंद जी, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून द पैनल। मुझे जो स्टॉक अच्छा लग रहा है, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, वो होगा टाटा केमिकल्स। एक अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे ये स्टॉक आया है, और मुझे लग रहा है एक बहुत बड़ी रेंज ब्रेकआउट देने की क्षमता रखता है, तो यहाँ पे मैं बाय रेकमेंड करूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 968, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो होगा करीबन 1,000 से लेके 1,010। ओवरऑल मुझे लग रहा है कि ये स्टॉक अगर 1,010 के ऊपर सस्टेन करे तो शायद एक ट्रेंडेड मूव भी दे सकता है। फिलहाल 1,010 का टारगेट और 968 का स्टॉप लॉस।